चलो बेटा, हम लोग अब रेशियो एनालिसिस जो प्रैक्टिकल टॉपिक है उसके ऊपर ध्यान देंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरी की पूरी जो मैंने फॉर्मूलाज बताई है, प्रॉफिटेबिलिटी में 8 फॉर्मूला बताई है, लिक्विडिटी में 2 फॉर्मूला बताई है, टर्नओवर के अंदर आपको 5 फॉर्मूला बताई है, लेवरेज के अंदर 3 फॉर्मूला बता। अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न है तो सिर्फ खाली फॉर्मूला में अमाउंट ही डालना है। तो एग्जामिनेशन में किस टाइप के सम आते हैं, तो मैं सबसे पहले सम निकालूंगा, सम नंबर 9 पैम्पलेट के अंदर पेज नंबर 11 पे, चैप्टर नंबर 2 रेशियो एनालिसिस के अंदर तो दिया हुआ, यू हैव गिवन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। भाई पैम्पलेट लेके बैठना क्योंकि मोबाइल में ब्लर आ रहा है थोड़ा रेड कलर की वजह से। तो आपको ये बैलेंस शीट दी गई है और बैलेंस शीट के साथ आप लोगों को ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया हुआ है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। इस पे से क्या पूछा है, कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। देखो मैं स्टार्ट करता हूँ, मैंने ऑलरेडी फॉर्मूलाज लिखे रखी है। सबसे पहले आती है प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो अपने देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट सब में कितना दिया हुआ है, 9,20,000। सेल्स कितना दिया है, 40 लाख। फॉर्मूला में ही डालना है, 9,20,000 डिवाइड बाय 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। आप सॉल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा, 9,20,000 डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 100। तो आपका आंसर कितना आया, 23%। देखो खाली फॉर्मूलाज लर्न करनी है। दूसरी फॉर्मूला आती है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो फॉर्मूला क्या आती है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। मैंने बताया था नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो चेक करो कितना दिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैंने बोला सब कुछ दिया होगा, खाली आपको अमाउंट डालनी है। अगर फॉर्मूला लर्न है तो 1,20,000 डिवाइड बाय सेल्स, सेल्स कितना दिया, 40 लाख। तो देखो 1,20,000 डिवाइड बाय सेल्स दिया है 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1,20,000 डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 100। तो आपका आंसर क्या आया, 3%। कितने परसेंटेज, 3%। खाली फॉर्मूला लर्न करनी है। तीसरी फॉर्मूला है आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। तो फॉर्मूला क्या आएगी, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। तो चेक करो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया है, 30,80,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना दिया है, 6 लाख। तो देखो मैं लिखता हूँ, 30,80,000 प्लस 6 लाख डिवाइड बाय सेल्स कितना दिया है, 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो चलो प्लस करो आप लोग, 30,80,000 प्लस 6 लाख डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 100। तो आपका आंसर आया 92%। क्लियर क्लियर। अब उसके बाद थोड़ी हार्ड आती है, रिटर्न ऑन टोटल असेट। रिटर्न ऑन टोटल असेट फॉर्मूला क्या है, PBIT प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय एवरेज टोटल असेट इंटू 100। अब चेक करो सब में खाली हमको असेट दिया है, असेट दिया है 22 लाख। यहाँ पे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन असेट के बारे में नहीं दिए। तो मैंने क्या बताया था कि जब कोई इंफॉर्मेशन ना दिया हो तो एवरेज असेट का मतलब होता है क्लोजिंग असेट। कितनी, क्लोजिंग असेट। तो क्लोजिंग असेट कितनी है भाई, टोटल असेट कितनी है, 22 लाख। पेज नंबर 11 पे बैलेंस शीट का टोटल चेक कर लो। चलो लिख दिया 22 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। PBIT चेक करो, ये दिया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 3,20,000। तो 3,20,000 1 माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस टैक्स। तो टैक्स अपनों को ढूंढना है परसेंटेज में, यहाँ सब में दिया नहीं है। तो कैसे ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे ध्यान देना, मैं वर्किंग बताता हूँ, मैं वर्किंग बताता हूँ परसेंटेज कैसे ढूंढेंगे। तो आपका टैक्स कितना है, 1,20,000, 1,20,000। आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 2,40,000। तो कॉमन है 2,40,000 प्रॉफिट होता है, तो आपका टैक्स कितना होता है, 1,20,000। देखो जब आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स
240,000 होता है तो आपका टैक्स होता है 1,20,000। तो जब आपका प्रॉफिट बिफोर 100 होगा तो आपका टैक्स कितना होगा? तो आपका टैक्स होगा 50%, यानी 0.5। क्लियर? तो यहाँ पे अपने का टैक्स की अमाउंट नहीं लिखना, परसेंटेज वाला लिखना है, क्योंकि वन में से माइनस करना है। तो देखो, 1 माइनस 0.5, 0.5, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3,20,000, तो 1,60,000। 1,60,000 डिवाइड बाय 22 लाख, 1,60,000 डिवाइड बाय 22 लाख इंटू 100, तो आपका आंसर आया 7.27%। ये थोड़ी हार्ड फॉर्मूला है। उसके बाद सेम चीज आती है, रिटर्न ऑन इक्विटी। फॉर्मूला क्या बोलती है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नेटवर्थ। अब नेटवर्थ क्या है, तो मैंने इसके लिए बोला, मैंने पहले जो फॉर्मूलाज पढ़ाई उस पर ध्यान दो। नेटवर्थ का मतलब होता है ओनर का पैसा, तो इसमें इक्विटी भी आवे, इसमें रिजर्व भी आवे, और फिक्टीसियस असेट होवे वो माइनस होवे। फिक्टीसियस असेट क्या है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप इसके पहले वाले लेक्चर देख लो फॉर्मूला वाले, तो फॉर्मूला में ही डालना है। तो देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,20,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, सब में प्रेफरेंस डिविडेंड दिया ही नहीं है तो नील, डिवाइड बाय एवरेज नेटवर्थ। अब एवरेज नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, ओपनिंग ओनर का पैसा प्लस क्लोजिंग ओनर का पैसा डिवाइड बाय 2। तो देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल ब्लर दिख रहा है, पैम्पलेट में ध्यान देना आप लोग। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, जनरल रिजर्व 3,68,000। अब ये सब तो नेटवर्थ में आता नहीं है, मैंने फॉर्मूला बताई। लैब असेट के अंदर भी कोई फिक्टीशियस असेट नहीं है, तो आपकी नेटवर्थ कितनी हुई? तो देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, नेटवर्थ का मतलब होता है इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टीशियस असेट। फिक्टीशियस असेट में क्या, वापिस सुन लो, मिसिलिनियस एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, अंडर राइटिंग कमीशन। तो आपका इक्विटी दिया है 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है 3,68,000, फिक्टीशियस असेट दिया नहीं है। खाली फॉर्मूलाज आपको लर्न करनी, दूसरा कुछ जरूरत नहीं है। तो कितना आया, 13,68,000 मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर्मूला में डाल दो, 1,20,000 डिवाइड बाय 13,68,000 इंटू 100, तो आपका आंसर आया 8.77%। क्लियर? उसके बाद आपकी फॉर्मूला आती है अर्निंग पर शेयर। तो फॉर्मूला क्या है, PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका है 1,20,000, प्रेफरेंस डिविडेंड आपको दिया गया नहीं है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स, तो वर्किंग नोट बनाता हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो बैलेंस शीट में आप चेक करो, बैलेंस शीट में चेक करो, आपको 10 लाख रुपए इक्विटी के दिए ने, एक शेयर की कीमत है 10 रुपये, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, और आपके एक शेयर की कीमत है 10 रुपये। थोड़ा ब्लर दिख रहा है, पैम्पलेट में ध्यान देना। तो आपको कितने मिल गए, आपके इक्विटी शेयर कितने हैं, कितने हैं, 1 लाख शेयर। क्लियर? तो कॉमन 1,20,000 डिवाइड बाय 1 लाख, तो आपका क्या आया आंसर, ₹1.2 पर शेयर। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना, आंसर आया 1 रुपया 2 पैसा पर शेयर। ये मैंने वर्किंग बताया, 1 लाख कहाँ से लाया, 10 लाख शेयर डिवाइड बाय 2। क्लियर? उसके बाद आती है पे आउट रेशियो। तो उसके लिए सब में इक्विटी डिविडेंड पेड होना जरूरी है। अब अपने ये सब में इक्विटी डिविडेंड पेड दिया नहीं है, तो ये फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं होगी। इक्विटी डिविडेंड पेड दिया गया नहीं है, तो ये फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं होगी। क्लियर? उसके बाद आती है प्राइस अर्निंग रेशियो। तो इसकी फॉर्मूला क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय ईपीएस। तो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी इज 60। अगर ये दिया हो तो ही फॉर्मूला करने की, ना दिया हो तो नहीं करने की। तो मार्केट प्राइस कितनी दिए, ₹60। अर्निंग पर शेयर हमने बीच फाइंड करा, कितना आया, ₹1.2।
तो 60 डिवाइड बाय 1.2 तो आपकी प्राइस अर्निंग रेशियो कितनी हो गई, 50, एक शेयर पे 50 रुपये मिलेंगे। खाली फॉर्मूला डाली मैंने, कुछ करा नहीं है। उसके बाद आती है डिविडेंड यील्ड, इसकी भी फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड पर शेयर, सब में डिविडेंड दिया ही नहीं है, कितना पे करा है कंपनी ने, तो ये फॉर्मूला करने की नहीं। तो ये तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी वाली फॉर्मूलाज अवर हो गई, जो जनरली डिपेंड करती है तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब आती है तुम्हारी लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी के अंदर आपकी दो फॉर्मूला है, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो बोलो, एसिड टेस्ट रेशियो बोलो या क्विक रेशियो बोलो, तीनों का मतलब एक होता है। फॉर्मूला क्या है, करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट कौन सी है, तो बैलेंस शीट आपको दी हुई है, बैलेंस शीट में से आप चेक करो। तो देखो, बिल्डिंग करंट असेट नहीं है, प्लांट करंट असेट नहीं है, डेटर, डेटर आपकी करंट असेट है, प्लस स्टॉक, स्टॉक आपका करंट असेट है, प्लस कैश आपकी करंट असेट है, प्लस प्रीपेड एक्सपेंस आपका करंट असेट है। तीनों तीन को प्लस कर लो। अब सवाल आया, सर डेटर में तो दो दो अमाउंट दिए, ग्रॉस अमाउंट भी दिए और नेट अमाउंट भी दिए, ग्रॉस अमाउंट दिए और नेट अमाउंट भी दिए। तो मैंने तुमको थियरी पढ़ाते वक्त बताया था, मैंने आपको थियरी पढ़ाते वक्त बताया था फॉर्मूला लिखा के, कि जब लिक्विडिटी का होगा, जब लिक्विडिटी का होगा तो हम लोग नेट अमाउंट देखेंगे। कौन सी देखेंगे, नेट अमाउंट देखेंगे। तो कितनी है नेट अमाउंट, 3,20,000 प्लस स्टॉक है 4,80,000 प्लस कैश है 1,60,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंस है 12,000। टोटल मारो चलो, 3,20,000 प्लस 4,80,000 प्लस 1,60,000 प्लस 12,000। तो आपकी करंट असेट कितनी आई, 9,72,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी यहाँ से चेक करो, इक्विटी करंट लायबिलिटी नहीं है, जनरल रिजर्व करंट लायबिलिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग करंट लायबिलिटी नहीं है। तो करंट लायबिलिटी में क्या आवे, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है, बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटी है और अदर करंट लायबिलिटी। चलो टोटल मारो कितना होता है, 1,04,000 प्लस 2,00,000 प्लस 20,000, तो आपका टोटल हुआ 3,24,000 डिवाइड करो 9,72,000 डिवाइड बाय 3,24,000, तो आपका आंसर क्या आया, 3। जो भी तुम्हारा रेशियो होता है करंट रेशियो, वो लिखा जाएगा इस 2:1 में। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देते हैं आपके परसेंटेज में, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देते हैं आपके परसेंटेज में, परसेंटेज में, मगर जो करंट रेशियो है वो आएगा तुम्हारा इस 2 में, क्लियर। वो तुम्हारा आएगा इस 2 में, क्लियर। इसी तरह आता है लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो की फॉर्मूला क्या है, करंट असेट माइनस स्टॉक। तो चेक करो, अपने ऑलरेडी ऊपर करा हुआ है, करंट असेट है 9,72,000 माइनस इन्वेंटरी, इन्वेंटरी का मतलब स्टॉक कितना है, 4,80,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। खाली फॉर्मूलाज लर्न करनी है, कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना, वही चीज पर आपको ध्यान देना है। चलो सॉल्व करो इसको, कितना आंसर आता है, इसका आंसर आता 1.52, मगर मैंने बताया कि जो भी लिक्विडिटी रेशियो है वो किस में आएगी, इस 2 में आएगी, 1.52 इस 2:1, क्लियर। ये आपकी लिक्विडिटी रेशियो अवर हो गई। उसके बाद आपकी आती है लेवरेज रेशियो। तो लेवरेज रेशियो में तीन है, डेप्ट असेट, डेप्ट इक्विटी और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो डेप्ट असेट की फॉर्मूला क्या है, टोटल डेप्ट, और टोटल डेप्ट का मतलब मैंने क्या बताया, ओनर को छोड़ के सब ले लो, ओनर को छोड़ के सब ले लो। तो देखो देखते क्या क्या दिया है। तो देखो पहला आएगा तुम्हारा, फॉर बैलेंस शीट में ही देखना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल प्लस अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। चलो प्लस करो तुम लोग, तुम्हारे पास पैम्पलेट अवेलेबल है, प्लस करो। तो कितनी है तुम्हारी, 8,32,000 डिवाइड बाय टोटल असेट। तो टोटल असेट तो अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल, हाँ मगर ध्यान देना है कि अगर सब में फिक्टिशियस असेट होती है, फिक्टिशियस असेट नीचे ही होगी, नीचे ही होगी। फिक्टिशियस में क्या आवे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, अंडर राइटिंग कमीशन, वो हो तो नहीं लेने का।
तो कुछ है ही नहीं, तो अपनी टोटल फिक्स असेट कितनी है, टोटल असेट 22 लाख। फॉर्मूला में डाल दो, 8,32,000 डिवाइड बाय 22 लाख, इसका आंसर क्या आया, 0.37। ये भी किस में लिखा जाएगा, IS-2 1 में लिखा जाएगा, ये भी किस में लिखा जाएगा, IS-2 1 में लिखा जाएगा। चलो फटाफट आप लोग ये पूरा कर लो। उसके बाद आता है डेप्ट इक्विटी, तो इसके अंदर क्या बोला है, लॉन्ग टर्म डेप्ट, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट तो सीधा दिया लॉन्ग टर्म बोरोइंग, खाली फॉर्मूला ध्यान रखनी है, 5,08,000 लॉन्ग टर्म डेप्ट, खाली लायबिलिटी नहीं लेनी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लेनी है, इसमें डिबेंचर आवे, बॉन्ड आवे, बोरोइंग आवे, बैंक लोन आवे, लॉन्ग टर्म लोन आवे, क्लियर। लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी को छोड़ के डिवाइड बाय नेटवर्थ, तो नेटवर्थ कितना है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको, पहले ही सॉल्व करके बताया, 13,68,000 प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सब में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ही नहीं, है ही नहीं, तो करने का नहीं है ना, मैंने बोला ना खाली फॉर्मूला आपको लर्न रखनी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.37। क्लियर, क्लियर। अब उसके बाद आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फॉर्मूला क्या है, EBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट, तो EBIT कहाँ आवे, बैलेंस शीट में ना आवे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आवे, चेक करो ये एरिया। EBIT का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितना है, 3,20,000 डिवाइड बाय, देखो लिख देता हूँ मैं, खाली खाली लिखा जा, देखो मैंने कुछ चीज ढूंढी नहीं है, डिवाइड बाय इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना दिया है सब में, 80,000, कितना दिया है 80,000, 3,20,000 डिवाइड बाय 80,000, तो क्या आया 4, मगर जो तुम्हारा इंटरेस्ट कवरेज होगा वो किस में आएगा, टाइम्स में आएगा, मैंने थियरी में बताया, क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ते, टर्न ओवर रेशियो, इसमें 5 इन्वेंटरी, डेटर टर्न ओवर, एवरेज कलेक्शन पीरियड, फिक्स असेट टर्न ओवर, टोटल असेट टर्न ओवर। टर्न ओवर बढ़ाया तो मैंने बताया कि टर्न ओवर जब भी हो तो सेल्स कहीं ना कहीं आएगा, तो इन्वेंटरी टर्न ओवर की फॉर्मूला 2 थी, COGS डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंटरी अथवा सेल्स डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। अभी सब में मैंने बताया था कि जब COGS ना दिया हो, COGS ना दिया हो तभी आपको ये फॉर्मूला लगानी है, तभी आपको ये फॉर्मूला लगानी है, मगर अपने सब में तो COGS दिया हुआ है, 30,80,000 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंटरी, तो चेक करो इन्फॉर्मेशन में दिया है डेटर एंड स्टॉक एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग में कितना है, 4 लाख, अपने पास जो बैलेंस शीट अवेलेबल है, बैलेंस शीट अवेलेबल उसमें कितना है, 4,80,000, यानी अपनों को दोनों दो दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है, तो मैं क्या करूंगा, एवरेज इन्वेंटरी इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइड बाय 2, ओपनिंग में दिया है 4 लाख, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्लोजिंग दिया है 4,80,000 डिवाइड बाय 2, तो कितना आया, 4,40,000, तो 30,80,000 डिवाइड बाय 4,40,000। 2 मिनट, हाँ भाई थोड़ा कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो तो तुम लोग सुधार लेना, क्योंकि मैं थोड़ा उसमें जा रहा हूँ, तो आंसर क्या आया, 7। मगर ये भी चीज याद रखनी है आपको कि इन्वेंटरी टर्न ओवर बोला हो कि कुछ भी बोला हो, ये सब चीज किस में आएगी, टर्न ओवर हमेशा टाइम्स में आएगा, क्लियर। उसके बाद आता है डेटर टर्न ओवर रेशियो, क्रेडिट सेल्स, सब में कुछ दिया ही नहीं है, मैंने बोला ना कुछ दिया ही नहीं, तो अपने क्या करेंगे, पूरा के पूरा सेल्स क्रेडिट एज्यूम करेंगे, कितना है क्रेडिट सेल्स एज्यूम करा, यहाँ लिख देने की, नोट करके लिख देने की, एज्यूम टोटल सेल्स एज अ क्रेडिट सेल्स। सर तुमने एज्यूम क्यों करा, एज्यूम क्यों करा, तो भाई एज्यूम इसके लिए करा कि मैंने आपको थियरी पढ़ाई थी, अब ढूंढना है आपको एवरेज डेटर, तो एवरेज डेटर की फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2, मैंने ये इसके लिए करा कि सब में आपको एडजस्टमेंट में ओपनिंग दिया हुआ है, ने क्लोजिंग कहाँ दिया हुआ है, आगे की साइड में, क्लियर, क्लियर, समझ में आया।
समझ में आया मैंने क्या बोला आप लोगों को? ये चीज पे आपको ध्यान देना जरूरी है। समझ में आया? तो देखो लिखते, ओपनिंग डेटर कितना है? 3 लाख। क्लोजिंग डेटर कितना है? सर यहाँ तो दो दो दिए, 3 साइड भी दिए, 3 20 भी दिए, 3 साइड। तो भाई मैंने वापिस बोलता हूँ, थियरी पढ़ो कि जब टर्नओवर वाला रेशियो होगा तो हम लोग ग्रोस देखेंगे। क्या देखेंगे? ग्रोस देखेंगे। ग्रोस मीन्स अंदर वाला। 3 लाख 30 हजार, 40 लाख डिवाइड बाय 3 लाख 30 हजार। ट्वेल्व पॉइंट टाइम्स। क्लियर? उसके बाद आता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। यहाँ पे लिखा है 360, तो 360 डिवाइड बाय डेटा टर्नओवर का आंसर क्या है ऊपर देखा, 12.12। तो कितना आया? 29.70। अब ये तुम्हारा 360 है, 360 साल के दिन होते, तो आंसर किस में लिखने का? डेज में लिखने का। किस में लिखने का? डेज में लिखने का। अगर यहाँ 12 लिखते हो तो मंथ में लिखने का, अगर ऊपर 1 लिखते हो तो ईयर में लिखने का। क्लियर? खाली फॉर्मूलाज कर जाओ, कुछ नहीं कर जाओ। सेल्स 40 लाख डिवाइड बाय एवरेज फिक्स असेट। अब देखो देखो, अब ये वाले सम में हम लोगों को एवरेज फिक्स असेट नहीं दी गई है। ये वाले सम में हमको एवरेज फिक्स असेट नहीं दी गई। एवरेज फिक्स असेट का मतलब क्या होता है? ओपनिंग असेट प्लस क्लोजिंग असेट। तो अब देखो यहां पे मैं लिख देता हूं, ओपनिंग फिक्स असेट इज नॉट गिवन, सो एज्यूम क्लोजिंग फिक्स असेट एज एवरेज फिक्स असेट। क्लियर? तो चेक करो बैलेंस शीट में फिक्स असेट कितने की है। तो प्लांट एंड मशीनरी 6,40,000 का दिया है और बिल्डिंग 5,88,000 की दी है। तो आपकी एवरेज फिक्स असेट हुई 12,28,000। फॉर्मूला में डाल दो, 40 लाख डिवाइड बाय 12,28,000 कितना आया? 3.25 टाइम्स। सेम कंडीशन, टोटल असेट टर्नओवर, सेल्स एज इट इज 40 लाख डिवाइड बाय टोटल असेट। सर एवरेज तो करो, एवरेज तो करो, अगेन नॉट एज ओपनिंग टोटल असेट इज नॉट गिवन, सो एज्यूम क्लोजिंग टोटल असेट एज एवरेज टोटल असेट। समझ में आया? समझ में आया ना? मैंने ये सब कहाँ से लिख रहा हूँ? तो भाई मैं ये इसके लिए इस प्रकार लिख रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले फॉर्मूलाज पढ़ाई थी कि कब क्या करना है। तो अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न है तो ऑटोमेटिक सम आपका कवर हो गया। क्लियर? कोई डाउट हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो।